हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील कुमार प्रजापति टॉपिक लेकर आया हूँ, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इसका पहला पार्ट हमने पहले अध्ययन किया था, आज हम इसके आगे के अध्ययन की चर्चा करेंगे। आप सबका ध्यान कहाँ रहेगा, यहाँ मेरे साथ अध्ययनरत में रहोगे आप। यहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन के प्रारंभिक जीवन के समय और युवा काल तक भारत की जो स्थिति रहती है, भारत की स्थिति में हम देख रहे हैं कि 1905 में एक स्वदेशी आंदोलन आता है। 1906 में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 में सूरत का अधिवेशन होता है। 1909 में मॉर्ले मिंटो एक्ट, और यदि हम बात करें तो 1909 के बाद 1911 की घटना आती है। 1911 की घटना के बाद और हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो 1915 में भारत में महात्मा गांधी का आगमन होता है। 1916 में लखनऊ समझौता होता है। 1918 में प्रथम वर्ल्ड वार युद्ध फिनिश होता है। और यदि हम बात करें तो बच्चों 1919 में रॉलेट एक्ट, 1913 अप्रैल 1919 में जलियावाला हत्याकांड, 1920 सितंबर 1919 में हंटर कमेटी, और 1920 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन। यहाँ हमने देखा कि चंद्रशेखर वेंकट रमन का जो प्रारंभिक जीवन है और प्रारंभिक जीवन से लेके युवा काल तक की जो जो परिस्थितियाँ होती हैं भारत में, अगर उस पर हम एक नज़र से देखें तो 1905 में एक स्वदेशी आंदोलन होता है। ये स्वदेशी आंदोलन क्या होता है बच्चों? स्वदेशी आंदोलन उसको कहते हैं जिसमें अपने स्वदेश के लिए जो आंदोलन किया जाता है, जो अपने भारत के लिए जो आंदोलन किया जाएगा वो स्वदेशी आंदोलन कहलाता है। स्वदेशी आंदोलन भारत के अलग अलग हिस्सों में इसका आयोजन किया जा रहा था, और बाल गंगाधर तिलक ने इस अवसर पर कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के अंदर रहने वाले थे, और महाराष्ट्र में आप देख रहे हो कि इन्होंने एक शिवाजी उत्सव मनाया था, और एक गणेश उत्सव के माध्यम से भारतीय जो जनता थी उस भारतीय जनता में एक राष्ट्रीय भावना का प्रसार किया था बाल गंगाधर तिलक ने। 1906 में इन मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। मुसलमानों ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी, और यही अलग पार्टी 1906 की मुस्लिम लीग पार्टी कहलाती है। मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना करने वाले सलीमुल्ला और आगा खान थे। आगा खान इन्होंने 1906 में अब एक अलग अपना एक गठबंधन बनाया था, अलग एक सरकार बनाई थी, एक पार्टी बनाई थी मुस्लिम लीग। आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो इसी मुस्लिम लीग पार्टी के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के दो दो
टुकड़े हो जाते हैं, पार्टिसिपेट होता है। यहाँ तक का हमने अध्ययन किया। यहाँ 1907 में सूरत का अधिवेशन होता है और सूरत के अधिवेशन में यहाँ के अध्यक्ष होते हैं रास बिहारी बोस। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं? रास बिहारी बोस। बाल गंगाधर तिलक का नाम यहाँ अनाउंस किया जाता है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक को यहाँ अध्यक्ष नहीं बनाया गया और रास बिहारी बोस को यहाँ का अध्यक्ष बनाया जाता है। ये 1907 का सूरत अधिवेशन है, जिसमें जूते और चप्पल भी चल पड़े थे और यहाँ रास बिहारी बोस के नेतृत्व में इसका यह अधिवेशन आयोजित किया गया था। और हम सूरत अधिवेशन की बात करें तो सूरत अधिवेशन में बच्चों उदारवादी अपने रास्ते चले गए थे, उग्रवादी अपने रास्ते चले गए थे, दोनों के अलग अलग रास्ते हो गए थे। यहाँ तक का हमने अध्ययन किया 1907 में। 1909 में एक अधिनियम आया था जिसको मौले मिंटो अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार सौंप दिया गया था। अब बोले तो पृथक निर्वाचन होता क्या है? पृथक निर्वाचन का मतलब होता है बच्चों, यहाँ ध्यान करिए, पृथक निर्वाचन का मतलब यहाँ देखिए, ये एक पूरा एरिया है और इस पूरे एरिया में ये भाग जो है वो 100% भाग है और इसमें अगर इतना सा भाग जो है ये 20% यहाँ हिंदू है और 80% यहाँ पे मुसलमान है। और अगर यहाँ हम बात करें तो इस पूरे भाग में यहाँ 80% हिंदू है और 20% मुसलमान है। तो यदि ये जो 20% यहाँ के हिंदू इधर चले जाए और इधर के 20% मुसलमान इधर आ जाए, यही क्या होता है? पृथक निर्वाचन होता है। यहाँ एक सांप्रदायिकता की भावना फैल गई कि एक मुस्लिम प्रांत मुसलमानों का प्रांत रहेगा, हिंदू प्रांत हिंदुओं का प्रांत रहेगा। इस तरह से अंग्रेज़ों ने 1909 के मौले मिंटो अधिनियम के अंदर ये कहा कि अब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाएगा, मुसलमानों की अलग सरकार बनेगी, मुसलमानों की एक अलग पार्टी होगी। मुसलमान को भी जिस तरह से हिंदुओं को जो सारी स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है, उसी प्रकार मुसलमानों को भी उनकी पूरी स्वतंत्रताएं प्राप्त होती रहेगी। यहाँ तक का हमने अध्ययन किया, ठीक है बच्चों। फिर 1911 की एक घटना मैंने आपको बताई थी। 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया गया था, किसका विभाजन कर दिया था बच्चों? बंगाल के दो टुकड़े कर दिए थे। ये पूर्वी बंगाल कहलाया था और ये पश्चिमी बंगाल कहलाता है। यहाँ बंगाल बिहार उड़ीसा वाला जो क्षेत्र होता है वो पश्चिमी बंगाल कहलाता है और इधर पूर्वी बंगाल की तरफ अगर हम ध्यान दें तो इधर जो बांग्लादेश बना था आगे चलकर वो पूर्वी बंगाल कहलाता है। 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने इसके दो टुकड़े कर दिए थे। 1911 के अंदर भारत में कौन आता है? जॉर्ज पंचम। कौन आते हैं बच्चों? ये जॉर्ज पंचम आते हैं और इन्होंने इसको जो डिवाइड किया था, इसको पुनः इसका एकीकरण कर दिया था, एक कर दिया था। और 1911 में ही यहाँ कोलकाता जो राजधानी थी, यहाँ यहीं पर कोलकाता से राजधानी को दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी गई थी और दिल्ली जो थी वो भारत की राष्ट्रीय राजधानी कहला दी है। 1911 की घटना ही चंद्रशेखर वेंकट रमन के समय यह घटना हुई थी। फिर 1915 में अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी का आगमन कहाँ होता है? भारत में होता है 1915 में। ये 9 जनवरी 8 से लेके एक दो दिन और यह प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ आते ही अंग्रेज़ों से महात्मा गांधी की मुलाकात होती है और अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को कहा कि अगर तुम हमारी सहायता करते हो तो हम जल्दी ही तुम्हारे देश को आज़ाद कर देंगे। महात्मा गांधी उनकी चाल में आ जाते हैं। महात्मा गांधी यहाँ अंग्रेज़ों की सहायता करते हैं। 1914 से 1918 तक कौन सा युद्ध चल रहा है बच्चों? प्रथम वर्ल्ड वार चल रहा है। और प्रथम वर्ल्ड वार के अंदर अंग्रेज़ों को क्या चाहिए? सेना की बहुत ज़रूरत थी और महात्मा गांधी अच्छे मिले उनको अंग्रेज़ों को। 1915 में ये भारत में पहुँच चुके थे और महात्मा गांधी ने भारत के लोगों को न्योता दिया कि आप अंग्रेज़ों की सहायता कीजिए, भविष्य में अंग्रेज़ आपको देश को स्वतंत्र आज़ाद करेंगे। इसलिए महात्मा गांधी को यहाँ पर
अंग्रेजी सेना में भर्ती करने वाला एक सार्जेंट कहा गया, उपाधि दी गई थी कि आप उपाधि मिल गई थी कि महात्मा गांधी जो है वो एक सार्जेंट है, वो एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं अंग्रेजों के। फिर हम आगे देखते हैं कि 1916 में एक लखनऊ समझौता होता है, जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के बीच में जो पहले अलग अलग हो गए थे वो एक हो गया था। अब हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है लखनऊ समझौता 1916। 1918 की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम वर्ल्ड वार यहीं पर क्या होता है बच्चों, फिनिश होता है। यहाँ तक का हमने अध्ययन किया। 1919 में भारत में एक एक्ट आता है, रॉलेट एक्ट कहा जाता है। अब बोले तो रॉलेट एक्ट क्या होता है, रॉलेट का एक्ट का एक गठन हुआ था 1917 के अंदर ब्रिटेन की संसद में, सिडनी नाम के एक, सिडनी नाम से एक अंग्रेज होते हैं और सिडनी रॉलेट के नाम से ब्रिटिश संसद में उनको सिडनी रॉलेट की फाइल को पास कर दिया था। और 1919 में जब भारत में रॉलेट एक्ट आया था तो बिना दलील के, बिना अपील के, बिना किसी संदेह के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करके जेल में बंद कर देना रॉलेट एक्ट कहलाता है। ये काला कानून कहलाता है जो अंग्रेजों ने यहाँ हिंदुस्तान में चलाया था। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था। 13 अप्रैल जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। यहाँ पहली हड़ताल भी, भारत की पहली हड़ताल भी रॉलेट एक्ट के बाद से मानी जाती है। जलियांवाला हत्याकांड के अंदर जनरल ओ डायर नाम से व्यक्ति ने गोलियां चलाई थी और यहाँ काफ़ी लोग जो थे वो हताहत हुए थे। 1919 में हंटर कमेटी का आयोजन किया गया था। इस कमेटी में 3 सदस्य भारत के थे और बाकी जो सदस्य अंग्रेज थे, और इसमें जनरल ओ'डायर को निर्दोष साबित किया कि इसका, जनरल ओ'डायर का कोई दोष नहीं है। उसको इंग्लैंड भेज दिया गया था। इंग्लैंड में उसको बढ़िया शेर की उपाधि प्रदान की गई थी। यहाँ तक का हमने अध्ययन किया। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। असहयोग का मतलब होता है बच्चों कि अब महात्मा गांधी अब इस चीज़ को समझ चुके थे और महात्मा गांधी ने कहा कि अब हमें सहयोग नहीं करना है, अब हमें सत्याग्रह की नीति पर चलना है। अब बोले तो सत्याग्रह क्या होता है, सत्याग्रह का मतलब होता है उपवास होता है, हिज्र होता है। सत्याग्रह का मतलब होता है किसी भी शत्रु के मन को जीतकर, अपने आप को कष्ट देकर किसी शत्रु के मन को जीत लेना सत्याग्रह कहलाता है। यही जो सत्याग्रह का नियम महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान में लागू किया था, और वो सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण 1917 का सत्याग्रह कहलाता है। यहाँ 1920 में असहयोग आंदोलन चल रहा था। और यदि हम चंद्रशेखर की हम बात करें तो चंद्रशेखर, यहाँ ये परिस्थितियाँ होती है चंद्रशेखर के समय। चंद्रशेखर ने एक प्रकाश विवर्तन पर एक शोध पत्र लिखा है, प्रकाश विवर्तन। प्रकाश विवर्तन पर इनका सबसे फर्स्ट जो पहला शोध पत्र आता है उसका नाम है फिलोसॉफिकल। और इस फिलोसॉफिकल में ये लिखा है कि जब प्रकाश की किरण किसी छिद्र से पार होकर या किसी भौतिक वस्तु से पार होकर निकलती है तो वो जो है पार होकर जाती है तो एक रंगीन हो जाती है, और इसी अपारदर्शी वस्तु हो या छिद्र वाली वस्तु हो इसमें विवर्तन होता है। इसी को क्या कहा गया था, प्रकाश विवर्तन कहा जाता है। चंद्रशेखर वेंकटरमन ने जो पहला शोध था, यहाँ हमने देखा ये प्रकाश विवर्तन है बच्चों, ये इसका पहला शोध किया था। पहले शोध का नाम क्या है, यहाँ पे फिलोसॉफिकल इनकी शोध पत्रिका है। इन्होंने ये कहा कि कोई भी प्रकाश से किसी भी छिद्र के माध्यम से या किसी भी भौतिक वस्तु से जा रहा है तो वो, या पारदर्शी वस्तु से जा रहा है तो रंगीन हो जाती है, इसी को प्रकाश विवर्तन कहा जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन, आज हमने बच्चों चंद्रशेखर वेंकट रमन का हमने जो पृष्ठभूमि तैयार की है, चंद्रशेखर वेंकट रमन के तथ्यों का अब हम डिटेल से, नेक्स्ट कक्षा हमारी रहेगी उसमें हम इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। सभी बच्चों को धन्यवाद।